NEET 22 एग्जाम पेपर में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, ये आपको पता लग ही गया होगा। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि क्वेश्चन का कोड ही अलग दे दिया गया है। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया गया। इसके अलावा काफी सारे सेंटर्स पर बच्चों की चेकिंग के दौरान बच्चों को काफी परेशान किया गया। इसके अलावा ये तो सारे थे ही, इसके अलावा पेपर समय पर नहीं दिया गया, किसी को 15 मिनट लेट दिया गया, किसी को आधा घंटा पेपर लेट दिया गया, और इसके बाद जो स्कैम हुए हैं वो अलग। ये 21 में भी ऐसा हुआ था, 21 से एनटीए को ये एक शिक्षा लेनी चाहिए थी कि 22 में तो ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 22 में भी ऐसा ही हुआ। एक बच्चा जो एग्जाम की तैयारी करता है, एक साल पूरी साल मेहनत करता है, उसको कितनी आशाएं होती हैं, उसके पेरेंट्स को कितनी आशाएं होती हैं, कितनी परेशानी झेलकर वो बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा कितनी परेशानियों में स्टडी करता है, और उसके साथ में लास्ट में ये हो जाए कि उसका पेपर ही ना लिया जाए, उसके पेपर के दौरान गड़बड़ी हो जाए, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। 2018 से पहले सीबीएसई एग्जाम लिया करता था, तकरीबन 13 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठते थे। अभी तो 18 लाख ही तो बैठते हैं। जहां 13 लाख स्टूडेंट का एग्जाम ठीक से हो सकता है, तो 18 लाख का क्यों नहीं हो सकता है? एग्जाम तो फेयर कंडक्ट हो सकता है। तो इसके लिए अभी क्या हो, इसके लिए समाधान यही है। हमें अपने आपस में बातें करने से कुछ नहीं होगा। समाधान यही है कि जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, जैसे आपको प्रॉब्लम हुई है, आपके फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हुई है, बाकी किसी को प्रॉब्लम हुई है, तो इस प्रॉब्लम का आप एनटीए को मेल करो। एक एनटीए को मेल करो, मेल आईडी है एनटीए का, नीट का जो मेल आईडी है neet@nta.ac.in, इस मेल आईडी पर आपको एनटीए को मेल करना है। जो जो प्रॉब्लम हुई है आपके साथ में, उस पर मेल करना है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसके पास रिटर्न में कॉपी भेजना जरूरी है, प्रॉब्लम की रिटर्न में भेजना जरूरी है, तभी उस पर एक्शन होता है। और आप मेल भेजेंगे, हमने भी मेल भेजा है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स का मेल भेजा है, काफी जो हमारे टचिंग में स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी मेल भेजा है। तो काफी सारे अगर एनटीए के पास में मेल पहुंचेंगे आपकी प्रॉब्लम्स के, तो जरूर इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर ये मेल भेजेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के मेल भेजेंगे, जिससे इस साल जो गड़बड़ी हुई वो अगले साल ना हो, और जिन बच्चों के साथ में गड़बड़ी हुई है उसका समाधान हो सके। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।